हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। सो आज हम आप लोगों के लिए सीरीज शुरू करने वाले हैं इग्नू प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज थे कि एडमिशन कंफर्मेशन कैसे पता चलेगी, एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा, असाइनमेंट्स कौन से सेशन के सबमिट होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना है, एग्ज़ाम्स हम कब दे सकते हैं, कितने एग्ज़ाम्स भरने हैं, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन कब करनी है, कैसे करनी है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इग्नू के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं। तो हम आपके लिए ये सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें ये बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाएगा पार्ट वाइज। तो पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कंफर्मेशन आप कैसे मानोगे। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, मास्टर्स का कोर्स हो, या फिर ग्रेजुएशन बेसिस का कोर्स हो, तो कोई भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप कैसे मानोगे कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। एंड इसी वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इग्नू को कब कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या इग्नू आपको सामने से कॉन्टैक्ट करता भी है या नहीं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड येस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सबसे पहले हम आते हैं इग्नू के सबसे फर्स्ट प्रोसेस पे, जो है कि अगर आपको कहीं भी, सपोज़ करो आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, कोई भी कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, एनीथिंग, आपको उसमें एडमिशन लेना है और आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है कि उसकी फ़ीस क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या होगी, कितने ईयर्स का कोर्स है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स हैं, ये सब आपको जानना है। और आपको ये देखना है कि वो कब तक आप कंप्लीट कर सकते हो, उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, अगर 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर में कौन से रहेंगे, सेकंड ईयर में कौन से रहेंगे, तो ये सब आप कैसे जान सकते हो। सो इसका बहुत ही सिंपल वे है, नॉर्मल गूगल पे आपको सर्च करना है इग्नू ब्रोशर, या फिर आप सर्च करोगे इग्नू कॉमन प्रोस्पेक्टस। ये सर्च करने से आपके सामने टॉप मोस्ट इग्नू का लिंक खुलेगा, जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट का है, बट आप उसमें एक ब्रोशर आएगा, बहुत बड़ी सी पीडीएफ होती है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कोर्सेज इग्नू ऑफर करता है, कैसे भी कोर्सेज हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो सब एक्सप्लेन्ड होते हैं। तो या तो आप अगर अपनी लाइन में सेट हो कि आपको यही करना है, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल एफ करके वो सर्च कर सकते हो कोर्स, और आपको उस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसमें कि वो कोर्स कितने ड्यूरेशन का है। एंड अगर आप चाहते हो, जैसे सपोज करो आपको डिप्लोमा कोर्स करना है और आप ये चाहते हो कि आपको डिप्लोमा कौन कौन से अवेलेबल हैं और आप देखना चाहते हो कि कौन सा सूटेबल है, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज के अंडर कम से कम 50 से 70 लिस्ट होगी आपके, तो वो आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ये प्रोसेस है काफ़ी इजी, जिससे आप समझ सकते हो कि आपको कौन से कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है। एनरोलमेंट हो गया अब अपना, अब बात करते हैं एडमिशन कैसे कंफर्म होगा। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप एडमिशन ले चुके हो, सपोज़ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन MEG में एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा कि आपको एडमिशन कंफर्मेशन चाहिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। इस प्रोसेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने से इग्नू को कॉन्टैक्ट करना है या इग्नू हमें कॉन्टैक्ट करके बताएगा कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है, आपका एडमिशन कंफर्म्ड है। सो इस टाइम पे जब आप इग्नू में एडमिशन ले लोगे तो आपको 2-3 मंथ्स इग्नू को देने पड़ेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स वगैरह अपनी अपलोड करी होंगी वो उनको वेरीफाई करेंगे। तो उन्हें 2-3 मंथ्स लगते हैं इसको करने में, क्योंकि इग्नू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर ईयर एडमिशन लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक एडमिशन कन्फर्मेशन की ईमेल है, एक स्टूडेंट के पास ये मेल आई थी, MEC में एडमिशन लिया था। तो आप ये देख सकते हो,
2-3 मंथ्स के अंदर ये मेल आ गई थी। तो जब आपके पास ऐसी मेल आ जाए तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि इग्नू की तरफ से आपका एडमिशन कन्फर्म्ड है। बट अगर आपके पास ये 2-3 मंथ्स में नहीं आती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप अपना एडमिशन कैसे कन्फर्म करवाओ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार आपका मिस आउट हो सकता है। सो अब आगे की प्रोसीजर पर बात करते हैं कि अगर 2-3 मंथ्स में नहीं आती है कन्फर्मेशन मेल तो आपको क्या स्टेप लेना है। सो अगर आपके पास कन्फर्मेशन नहीं आती है तो आपको अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर को कॉन्टैक्ट करना होगा। अब वो आपको कैसे करना है, अगर आपके पास 2-3 मंथ्स में मेल नहीं आएगी तो आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे। कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या लिखना है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आप 2-3 मंथ्स वेट कर सकते हो। पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 6-7 मंथ्स तक हम इजीली वेट कर सकते हैं कि एडमिशन कन्फर्मेशन आएगा। अगर आपके पास मेल नहीं आती है और आपको अपने रीजनल सेंटर को कॉन्टैक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। सो आप नॉर्मल गूगल सर्च करोगे। अगर आपका रीजनल सेंटर सपोज़ दिल्ली 2 है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो हमने दिल्ली 2 सर्च करा है रीजनल सेंटर, तो नॉर्मल गूगल पे लिखना है रीजनल सेंटर दिल्ली 2, तो आपको उसकी वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होगे, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और हर रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे राइट साइड पे आपको एक कॉलम दिखेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर उनका फ़ोन नंबर भी दिया होता है एंड ईमेल आईडी भी। तो फ़ोन पे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते इतना एडमिशन स्टेटस के लिए, क्योंकि वो आपको इतनी चीज़ें नहीं बता पाएंगे एंड कभी कभी फ़ोन वो उठाते भी नहीं हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप उनको मेल कर दो। ईमेल आईडी गिवन होगी, जैसे यहाँ पे भी गिवन है rcdelhi2@ignu.ac.in, इस पे आप मेल कर सकते हो। अब आपको मेल क्या करनी है, आप लंबी कहानी मत लिखना कि क्या प्रोसेस रहा था, कब एडमिशन लिया था, कुछ नहीं। आपको बस एक छोटी सी मेल ड्राफ्ट करनी है जिसमें आपको सिंपल एक्सप्लेन करना होगा कि आपका नाम क्या है, आपका कंट्रोल नंबर क्या है। अब कंट्रोल नंबर आपके पास कहाँ से आएगा, तो जो आपने एडमिशन लेते टाइम फॉर्म फिलअप करा होगा, लास्ट में प्रीव्यू आता है उसका, जो आप प्रिंट लेके रखते हो, तो उस पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको कंट्रोल नंबर दिखता है। तो वो कंट्रोल नंबर आप मेंशन करोगे ताकि वो कंट्रोल नंबर अपने सिस्टम में डाल के जल्दी से जल्दी ट्रेस कर सके कि आपका एडमिशन स्टेटस क्या है। तो आपको लंबी चौड़ी मेल नहीं लिखनी है, नाम लिखोगे, कंट्रोल नंबर लिखोगे और लिख दोगे कि प्लीज़ कन्फर्म माई एडमिशन स्टेटस। और ऐसा नहीं है कि वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिस दिन मेल करी है उस दिन भी रिप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर वो उसी दिन कर देते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली डिले हुआ तो 2-3 डेज का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो वो आपको मेल कर देंगे कि आपका एडमिशन स्टेटस जो है वो कन्फर्म्ड है या कन्फर्म्ड अभी नहीं है, पेंडिंग है। तो जैसा भी होगा आप वो आपको बता देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक स्टूडेंट ने यही करा था। मेल में ज़्यादा नहीं लिखना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि वो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ आपकी नहीं पढ़ेंगे। छोटा सा मेल लिखोगे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो ट्रेस करके फटाफट आपको रिप्लाई कर देंगे। सो ये था पूरा पार्ट 1, जिसमें एडमिशन कन्फर्मेशन को लेके आई थिंक हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। सो ये इग्नू सीरीज़ हम बनाएंगे जिसमें आपको मेन सारे पॉइंट्स कवर अप किए जाएंगे। पार्ट 1 में हमने एडमिशन कन्फर्मेशन के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा कि एनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा और उसके यूज़ क्या हैं। तो आप इस सीरीज़ को पूरा एंड तक देखना, सारी सीरीज़ को अच्छे से देखोगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी डाउट रह जाएगा इग्नू से रिलेटेड। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कॉन्फर्मेशन चाहिए या डाउट क्लियरेंस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, हमारी ID है literarynerds_, और आप हमें मेल भी कर सकते हो nerdsliterary@gmail.com पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आर नेक्स्ट पार्ट। हम ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आएँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों पे क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इग्नू में आपको कोई कहीं से कहीं तक क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स इग्नू के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। बट आई थिंक अगर हम ये वीडियो आप तक पहुँचाएँगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो इस सीरीज़ के बाद आपके अंदर इग्नू से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर।